सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और रिसेंटली मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ रहा था और मुझे एक क्वेश्चन काफ़ी कॉमन मिला, जो कि मेरे ऑलमोस्ट सारे शॉर्ट्स वीडियो पे होंगे वो कमेंट्स। और वो कमेंट ये था कि मैं ईजल स्टैंड कौन सा यूज़ कर रहा हूँ अपने पेंटिंग्स के लिए। और आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने दो सबसे ज़्यादा यूज होने वाले ईजल के बारे में बताता हूँ, एक जो कि मैं आउटडोर पेंटिंग के लिए यूज़ करता हूँ और दूसरा जो कि मैं इनडोर काम के लिए यूज़ करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे ईजल स्टैंड है, लेकिन ये जो दो ईजल है वो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। काफ़ी हैंडी है और कॉस्ट इफेक्टिव है, काफ़ी लो बजट में आप इसे परचेज कर सकते हैं। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि एक प्रमोशनल वीडियो नहीं है ये, वीडियो मैं सिर्फ आप लोगों के कमेंट पढ़ने के बाद बना रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फिलहाल आउटडोर काम के लिए मैं ये वाला ईजल यूज़ कर रहा हूँ, ये है ब्रूस्टो का मेटल फील्ड ईजल। इस ईजल की खास बात यह है कि ये अलग अलग डिफरेंट सरफेस पे भी आराम से स्टेबल रहता है, क्योंकि इसके जितने तीनों लेग हैं तीनों वेरिएबल लेग हैं। आप इसका छोटा बड़ा कर सकते हो वैसे अपने काम के हिसाब से, और आपको बैठ के करना है तो आप इसे पूरा छोटा कर सकते हो, और आपको खड़े होके करना है जैसे मैं नॉर्मली करता हूँ खड़े होके कहीं पर, आप इसे पूरा बड़ा करके यूज़ कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा और पास से दिखाता हूँ। तो इस ईजल की सबसे खास बात यह है कि वाटर कलर करते टाइम में हमें एक एंगल पर रखना होता है अपने कैनवस को, तो यहाँ पर ये आपको दिया गया है जिससे कि आप अपना ये जो पेंटिंग करने का जो एंगल है उसको चेंज कर सकते हो। तो ये इसका सबसे खास बात है, और वाटर कलर ईजल का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको जो ये एंगल है ये वेरिएबल होना चाहिए। चाहे तो इसे ऐसे स्ट्रेट रख के भी काम कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे एक नॉर्मल इंक्लाइंड एंगल रख के भी काम कर सकते हो, जो कि नॉर्मली मैं करता हूँ। एक बार मैं इसके ऊपर कैनवस रख के भी दिखा देता हूँ आपको, जैसा कि मैं अभी इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। इसके ऊपर बस आपको अपना पेपर या बोर्ड को रखना है और यहाँ से इसे टाइट कर लेना। अब ये हो गया पूरा स्टेबल, अब आप आराम से इसके ऊपर काम कर सकते हो। आपको जैसे काम करना है, आप इसको थोड़ा सा इंक्लाइन रख के काम कर सकते हो, थोड़ा फ्लैट रख के काम कर सकते हो। यहाँ पे आपको टाइट करने का नॉब दिया हुआ है। तो ये है मेरा आउटडोर पेंटिंग का ईजल, बहुत ही सिंपल है ये। आप जब आपको बस नॉर्मल इस ईजल को आप फोल्ड करके आराम से अपने बैग में कैरी कर सकते हो, ये पूरा छोटा हो जाता है फोल्ड करने के बाद। आप इसके सारे तीनों लेग्स को फोल्ड कर सकते हो, और उसके बाद इसका जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये भी डिटैच हो जाता है, तो फिर इसको लेके ट्रैवल करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और जब आप इसे परचेस करोगे तो साथ में आपको एक छोटा सा बैग भी दिया जाएगा, वो नॉर्मली सारे ईजल और ट्राइपॉड के साथ एक छोटा बैग दिया जाता है ताकि इसको लेकर कहीं ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये हो गई मेरे आउटडोर पेंटिंग के ईजल की बात। और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि मेरा ये आउटडोर पेंटिंग का पूरा कंप्लीट सेटअप क्या है, मैं क्या क्या लेके ट्रैवल करता हूँ, और ईजल के ऊपर मैं यहाँ पे एक छोटा सा पैलेट लगाता हूँ जो कि मैंने खुद से बनाया है, जिसके ऊपर मैं कलर्स पैलेट ब्रश वगैरह रख के काम करता हूँ, और साथ में मैं बहुत कुछ लेके ट्रैवल करता हूँ, कैसे मैं रिकॉर्ड वगैरह करता हूँ, तो सबके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना के पहले से अपलोड की हुई, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तब वहाँ पर जाकर मेरा एक कम्प्लीट आउटडोर पेंटिंग का सेटअप देख सकते हो। और ये आप कहाँ से परचेस कर सकते हो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक और ईजल के बारे में बताता हूँ जो कि मैं नॉर्मली स्टूडियो वर्क के लिए यूज़ करता हूँ। अगर मैं घर में काम कर रहा हूँ कोई छोटे मोटे साइज़ पे अप टू A2 साइज़, तो फिर मैं उस ईजल को यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो अब उसको देखते हैं। तो इनडोर वर्क के लिए मेरे पास ये बहुत ही सिंपल सा छोटा सा लेकिन बहुत ही यूज़फुल ये एक छोटा सा ईजल है। तो इस वाले ईजल को बोलते हैं टेबल टॉप ईजल, और ये काफ़ी अफोर्डेबल है, आप आराम से इसे परचेस कर सकते हो, बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत बढ़िया है। इस वाले ईजल को मैं लास्ट एक साल से यूज़ कर रहा हूँ, और ये वाला जो मेरा ईजल है लास्ट में 2.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं आपको उन्हीं प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ जो कि मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, और आप मेरे पुराने वीडियो में भी देख सकते हो ये सब चीज़ को यूज़ करते हुए। और काफ़ी टाइम से लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं क्या क्या यूज़ करता हूँ, तो फिर मैं अभी आप लोगों के लिए सारा वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको एक बार इसे खोल के दिखा देता हूँ कि आप इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली क्या होता है, जब हम बेड पर बैठ के काम करते हैं या नीचे बैठ के काम करते हैं तो हमें काफ़ी झुक के काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से बैक पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आता है। ये पार्ट जो है गर्दन का पार्ट और फिर पीछे का जो पार्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आता है, और काफ़ी साल तक अगर आप ऐसे ही काम करोगे तो बैक में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगा है। इसीलिए सारे ईजल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप रेगुलर आर्ट में काम कर रहे हो। इससे मतलब आप ज़मीन से थोड़ा सा उठ के काम कर सकते हो ताकि आपका जो बैक बोन रहे, आपका जो ये गर्दन वाला पार्ट रहे वो सीधा रहे और आप लॉन्ग टाइम तक काम कर सको। तो मैं आपको एक बार पूरा इसे अनफोल्ड करके दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। तो ये रहा हमारा ईजल। सबसे पहले इसे इस वाले नॉब को लूज़ करना है, फिर नीचे पकड़ के इसे ऐसे खड़ा कर देना,
तो इसके अलावा भी मेरे पास एक बड़ा स्टूडियो ईजल है जो कि मैं कभी और रिव्यू कर दूंगा, लेकिन जब छोटा मोटा साइज में काम करता हूँ तो उतना बड़ा ईजल पे जाके काम करना ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है, तो फिर उसके लिए मैं ये वाला ईजल यूज़ करता हूँ, टेबल टॉप ईजल। जैसे कि आप देख सकते हो ये A2 साइज़ का काम है, पोर्ट्रेट वर्क चल रहा है। नीचे बैठ के भी आप काम करते हो तो आपको एक हाइट मिल जाता है काम करने के लिए, आप इसका जो एंगल है ये भी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, आप इसे रख सकते हो, आपको कितना इंक्लाइन चाहिए, कितना फ्लैट चाहिए उसके हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो, और उसके बाद आप इसकी हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको थोड़ा सा ऊपर काम करना है तो आप नॉर्मल इसे थोड़ा सा और ऊपर करके भी काम कर सकते हो, अपने हिसाब से जो हाइट है उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ये ईजल मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहा है, मैं कभी नीचे बैठ के भी काम करता हूँ, कभी टेबल पर बैठ के काम करने का मन नहीं करता है, बेड पे बैठ के काम करना है तब भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये रहा हमारा टेबल टॉप ईजल, ये रहा हमारा आउटडोर वाटर कलर ईजल। तो आई होप आपको ये दोनों जो ईजल है वो पसंद आया होगा। और अभी बात करते हैं इनकी प्राइस की। तो ये टेबल टॉप ईजल जो है ये अप्रॉक्स 1500 रुपीज़ के आसपास का आता है। मेरा जो ईजल है वो ब्रूस्टो का है, इसका प्राइस 1500 है, और पीछे का जो ये वाटर कलर ईजल है इसका प्राइस ऑलमोस्ट 3000 के आसपास आता है, और वो भी ब्रूस्टो का है। क्योंकि इस प्राइस रेंज में ये वाला वाटर कलर ईजल मुझे बेस्ट लगा पूरे मार्केट में, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है, इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है। लास्ट में 2 साल से ज़्यादा से इसे रगड़ के यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग देखते ही होंगे मेरे वीडियोज़ में। तो चूँकि ये एक प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं है, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, अपना एक ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ उन प्रोडक्ट के ऊपर जो मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो इसीलिए मैं कुछ भी लिंक वगैरह शेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता जाता हूँ कि आप ये कहाँ से परचेज़ कर सकते हो। तो ये दोनों ईजल आप creativehands.in जो वेबसाइट है उनका ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। अदरवाइज आप Amazon से भी परचेज कर सकते हो, बस आपको सर्च करना है ब्रूस्टो मेटल फील्ड ईजल फॉर दैट वाटर कलर ईजल, एंड फॉर दिस स्मॉलर ईजल यू जस्ट हैव टू सर्च फॉर टेबल ब्रूस्टो टेबल टॉप ईजल, ठीक है। अगर आप ये चीज़ Amazon पर सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। ये वाला में भी आपको अभी ना मिले क्योंकि काफ़ी टाइम से आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, तो यू कैन जस्ट कीप अ चेक ऑन इट, जब भी आए बस तुरंत आप बुक कर लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहने वाला प्रोडक्ट है, बहुत आते के साथ साथ ये आउट ऑफ स्टॉक चला जाता है, अभी काफ़ी टाइम से आउट ऑफ स्टॉक है। और ये वाला आपको टेबल टॉप ईजल मिल जाएगा आराम से Amazon पर, और अदरवाइज आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके परचेज कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर हाँ तो इसे बाकी लोगों के साथ भी शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।